अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम ये बना रहे हैं सब्जी। ये शिमला मिर्च भी इसमें जाएगा और आलू मटर गाजर और बंद गोभी ये बना रहे हैं। और इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक डालेंगे और ये काली मिर्च जा रही है। और इसमें ये जो किनोर ये भी डालेंगे, ये चाइनीज जैसी सब्जी बनती है। और ये भी हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत ही प्यारी टेस्टी रेसिपी तैयार होगी। ये भी शामिल कर देते हैं। इसमें पानी ऐड नहीं करना, इसको ढाँप के रख देंगे तो ये बन जाएगी। अभी ये शिमला मिर्च काट रहे हैं। आलू तो वैसे पड़ता नहीं है इसमें, मगर मैंने थोड़ा सा आलू भी डाला है। और ये पक रही है, काली मिर्च और नमक और ये चिकन क्यूब डाल दिया मैंने। अभी ये शिमला मिर्च डालूंगी। अभी इसका ढक्कन बंद कर देंगे, मगर थोड़ा सा पानी मैं लगाऊंगी इसमें। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि सब्जियों की नमी आ जाए सब्जी और सब्जियों में। अब थोड़ा सा ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने छिलके उतार लिए और अभी इसको फेंकने जा रही हूँ। अभी हमारे पास मौसम ऐसा हो रहा है, ये झुड़झुड़ लग रहा है। इस तरफ देखे थोड़ी सी धूप निकल रही है। ये थोड़े से बर्तन में वाश कर दूंगी, ये बर्तन बचे होंगे, रात को तो धो लिए थे। अभी दिन दोपहर सुबह के दोपहर के तो बाद में हो गए। ये जो है लेमन मिक्स, ये अभी साबुन लिया है हमने। पहले तो वो लेते हैं लेमन कुछ लेते हैं, अभी ये ले रहे हैं। और दोपहर का खाना और ये बर्तन वाश किए और रोटी भी बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। अभी हम रोटी बनाएंगे। घी वाला पराठा बनाएंगे। और ये पराठा जो बनते हैं हमारे घर में, और वैसे तो रोटियां बनाते हैं, मगर ये पराठे मेरे शोहर खाते हैं। वो कहते हैं कि पराठा बनाया करो, वैसे रोटी सूख जाती है।
ये हमारी रोटी आ गई तवे पे और ये रोटी बना के तैयार करते हैं। और हमारे अभी देखें इस तरफ से ये रोटी अच्छी हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो ये दोपहर की रूटीन अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।